हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सेवन का एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज 1.1 है। लास्ट वीडियो में हम लोग 1 से लेके 5 क्वेश्चन नंबर तक क्लियर कर चुके हैं, तो इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता पॉइंट ए से ईस्ट की ओर पॉइंट बी तक जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर दिया हुआ है, इधर वेस्ट दिया हुआ है और इधर ईस्ट दिया हुआ है। तो रीता पॉइंट ए से मतलब यहाँ से बी तक इधर चलती है ईस्ट की ओर, ईस्ट इधर दिया हुआ है। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। मतलब अब वो 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद, ईस्ट की ओर जाने के बाद, फिर वहाँ से पॉइंट बी से वो बैक लौट जाती है वेस्ट की ओर और 30 किलोमीटर पीछे चली जाती है। फिर जो है वो, तो वेस्ट जो है माइनस से रिप्रेजेंट होगा, इसको हम माइनस रिप्रेजेंट करेंगे और इधर ईस्ट को प्लस रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर वो 30 किलोमीटर माइनस की ओर चली जाती है। इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर ईस्ट की ओर वो जाती है और उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो फिर वेस्ट की ओर जब जाती है तो उसको हम लोग क्या दिखाएंगे? तो हम लोग इसको नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका जवाब दे देना है। उसके बाद आगे दिया हुआ है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो अंत में वो जहाँ पे है, जिस पोजीशन में, उस पोजीशन को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक पेपर ले लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका जवाब दे देना है कि इंटीजर्स को वेस्ट की ओर जो इंटीजर्स को कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं और फर्स्ट में हम लोग दिखा सकते हैं उसको नेगेटिव इंटीजर्स में, तो वही लिख देते हैं वी कैन। इसका एक आंसर यह हो जाएगा, वी कैन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट बाय ए नेगेटिव इंटीजर। इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं नेगेटिव इंटीजर के द्वारा। उसके बाद फाइनल पोजिशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं किस किस तरह से वो जाती है उस तरह से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रीता गोज ए से बी तक कितना दूर जाती है, 20 किलोमीटर हो जाएगा, इक्वल टू 20 किलोमीटर। और उसके बाद नाउ सी रिटर्न, ये हो जाएगा रिटर्न हो रही है यहाँ पे बी पॉइंट से सी पॉइंट वेस्ट की ओर रिटर्न हो रही है, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ माइनस 30 किलोमीटर रख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, पॉइंट ए है यहाँ से, उसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर गई थी, ये प्लस में हो जाएगा, और 30 किलोमीटर वेस्ट में गई थी वो माइनस में हो जाएगा। तो ये, और इसको 20 में से 30 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन जो है माइनस ही रहेगा, जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन होता है। तो यहाँ पर इक्वल टू माइनस 10 किलोमीटर उसका पोजीशन हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, दो आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। इन ए मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। यहाँ पे एक जादुई बॉक्स दिया हुआ है, मैजिक स्क्वायर, और इसका प्रत्येक रो मतलब इस तरह से और कॉलम इस तरह से और डायगोनल मतलब इस तरह से, तो इसको सम करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो इसका सम जो है, इसका आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा, इधर से इधर से इधर से जिधर से भी आप जोड़ लें सेम आएगा। और तो फिर यहाँ बोल रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैजिक स्क्वायर। ये दोनों में से एक बॉक्स ऐसा है जिसमें से सब तरफ से सेम आएगा और एक ठो जो है नहीं है, तो इसको चेक करना है, जिसमें सेम आएगा वही मैजिक स्क्वायर मतलब जादुई बॉक्स है, और जिसमें कुछ डिफरेंट आ जाएगा वो जादुई बॉक्स नहीं है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो किस तरह से चेक करेंगे, ऐसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिख के भी हम लोग बना सकते हैं इसको।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तो फर्स्ट जो है रो इसको ये 1 नंबर का है तो 1 नंबर रख लेते हैं। अब इसमें सबको ऐड करते जाते हैं, ऐड दिया हुआ है तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस 1 फिर प्लस फिर माइनस 4, और इसका क्या आंसर आएगा तो ये माइनस प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस 4 तो यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा और ये प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 ये दोनों मिलकर 0 आएगा तो ये 0 हो गया। इस तरह से लिख लिख कर सारे को सारे हम लोग लिख के भी बना सकते हैं। एक हो गया, उसके बाद दूसरा यहाँ पे माइनस 5 माइनस 2 और 7, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 7, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7 हो गया और प्लस 7 तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा। इस तरह से लिख लिख कर सारे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे ये दो लाइन हम लोग कर लिए थे, इसमें भी 0 आया था, इसमें भी 0 आया था, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हुए जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो गया और प्लस 5 तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 हो गया, प्लस 7 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 फिर यहाँ भी 0 हो गया। इस इधर से हम लोग ले लिए रो में, अब हम लोग कॉलम में लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 प्लस 7 माइनस प्लस ये माइनस कट गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7 0, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 हो गया, प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 5 यहाँ पे माइनस 5, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 0 ये हो गया। अब हम लोग को लेना है डायगोनल इधर और ये इधर, तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5 और 5 तो यहाँ भी 0 हो गया, डायगोनल वाला 0 ले लेते हैं। उसके बाद इधर से लेते हैं, यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 2 तो कितना हो गया, माइनस 6 हो गया, मतलब इसमें एक डिफरेंट आ गया, यहाँ पे इसको करते हैं तो माइनस 6 इसका आंसर आएगा डायगोनल में, माइनस 6 तो इसका क्या है, इसमें डिफरेंट आ गया, मतलब ये जादुई वर्ग नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि यही मैजिक स्क्वायर है। तो यहाँ पे फिर भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 10 है और प्लस 1 है तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 9, इधर से ले लेते हैं माइनस 9 और यहाँ पे 4 3 7 हो गया और 2 सब में माइनस है तो यहाँ भी माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 और 6 13 हो गया, 13 में 4 चला गया तो ये बड़ा संख्या है, 13 जो है वो माइनस में है और प्लस जो है ये 4 जो है प्लस में है, लेकिन बड़ा संख्या का साइन जो है वही रहता है, तो 13 में से 4 चला गया तो 9 बचा, मतलब माइनस 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं माइनस 7 माइनस 2 तो माइनस 9 होगा, माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो माइनस ही रहता है तो यहाँ पे माइनस 9 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 13 हो गया, माइनस 13 और प्लस 4 हो गया तो यहाँ पे 13 में से 4 तो 9 तो माइनस 9, क्योंकि 13 जो है वो माइनस में है तो माइनस 9 यहाँ हो गया माइनस 9, और यहाँ पे माइनस 10 हो रहा है 6 और 4 तो 1 प्लस है इसीलिए यहाँ भी माइनस 9 होगा, यहाँ माइनस 9 हो गया। अब डायगोनल में कर लेते हैं, इधर से करते हैं 7 और 3 माइनस में है तो माइनस 10 हो गया, प्लस 1 है तो माइनस 9, डायगोनल में ये माइनस 9 आ गया है, और यहाँ से लेते हैं तो 6 माइनस 6 और माइनस 3 तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और माइनस ही रहेगा तो माइनस 9 तो यहाँ आ गया माइनस 9। तो यहाँ पे सभी कंडीशन में माइनस आया है, रो में कॉलम में और डायगोनल तीनों में माइनस 9 आया है, इसका मतलब है कि ये मैजिक स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड बॉक्स इज ए मैजिक स्क्वायर, ये बॉक्स जो है ये मैजिक स्क्वायर है, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या दे रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई ए माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, इस तरह से एल एच एस और आर एच एम एस उसको इनपुट करना है
और फिर देखना है कि क्या वो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, LHS और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं, उसी को वेरीफाई करना है। तो इसको पेपर में बना के करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का 1 इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 18। तो इसको इस तरह से सेट करना है, a तो 21 हो गया, फिर माइनस माइनस 18 इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 21 प्लस 18, ये हो गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस जो होता है, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा ये हटेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 21 प्लस हो जाएगा और 18 इक्वल टू 21 प्लस 18, तो दोनों ही सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 और 1 9 हो गया, और 2 1 3 39, और इधर भी 39। तो यही प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरीफाइड, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर इसको भी उसी तरह से लिखते हैं, ए में हो गया 118 माइनस, फिर माइनस 125 ब्रैकेट बंद, और 118 प्लस 125। यहाँ पे उसी तरह से सेम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें सभी में जो है वेरीफाइड करने पर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा और उधर प्लस तो है ही। 125 हो गया इक्वल टू 118 प्लस 125, ऐड कर देते हैं इसको, 85 हो गया, 13 3 हो गया, हाथ में 1 बच गया, और यहाँ 2 1 3 और 1 4 और 1 1 2 हो गया, 243। इधर 243 है तो दोनों साइड तो सेम ही है, इसलिए यहाँ भी 243 हो जाएगा, 243। तो ये हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड ये आंसर हो गया। और नेक्स्ट ले लेते हैं 3 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर ए इक्वल टू 75, बी इक्वल टू 84। उसी तरह से लिखते हैं, ए मतलब 75 माइनस माइनस 84 ब्रैकेट बंद हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं 75 प्लस 84। तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 84 इक्वल टू 75 प्लस 84। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 459 हो गया, और यहाँ 715 हो गया, 159। जब यहाँ 159 है तो यहाँ भी 159 ही होगा, 159, ये हो गया वेरीफाइड, ये आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 4 नंबर का। तो यहाँ पे a इक्वल टू 28 एंड b इक्वल टू 11, उसको भी इसी तरह से पुट कर देते हैं, 28 माइनस ब्रैकेट में माइनस 11 इक्वल टू 28 प्लस 11, ये हो गया। अब यहाँ पे 28 प्लस 11 हो गया, ब्रैकेट को ओपन किए, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू यहाँ ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, 28 प्लस 11। 28 प्लस 11 कितना हो गया, इसमें 10 डाल दिया 28 में, तो 38 हो गया, और 1 39 हो गया, इधर 39 और इधर भी 39, ये हो गया वेरीफाइड, ये आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इस तरह के बहुत सारे अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो हमारे चैनल में आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।